आइए अब हम न्यूटन के गति के नियमों को सिद्ध करते हैं। भाग एक, प्रथम प्रयोग के लिए हमें जिन उपकरणों की आवश्यकता होगी वे इस प्रकार है। कांच का पात्र जिसे बीकर कहा जाता है, रेत, एक कार्डशीट और एक सिक्का। चलिए अब हम प्रयोग करते हैं। सबसे पहले बीकर में थोड़ी रेत ले, उसके बाद बीकर पर कार्डशीट रखेंगे। कार्डशीट के बिल्कुल मध्य में एक सिक्का रखेंगे। अब उंगलियों के हल्के झटके से कार्डशीट प्रहार करेंगे। क्या देखा आपने? कार्डशीट धीरे से खिसक गई और वो सिक्का बीकर में गिर गया। इस प्रयोग से हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? क्या आप बता सकते हैं कि क्या कारण हो सकता है जो सिक्का इस प्रकार बीकर में जा गिरा? सही कहा आपने, इसके पीछे कारण था जड़ता या जड़त्व। ये प्रयोग न्यूटन के गति के पहले नियम को सिद्ध करता है। ये नियम जड़त्व की बात करता है। हमने जब कार्ड को छुआ तब हमने उसे एक हल्की सी गति प्रदान कर दी जिसके कारण वो हिल गया, लेकिन उसके ऊपर रखा हुआ सिक्का विश्राम की स्थिति में था, इसी कारण वो बीकर में जा गिरा। इस प्रकार ये प्रयोग बड़ी ही सुंदरता से न्यूटन के पहले नियम को दर्शाता है। चलिए अब हम दूसरा प्रयोग करते हैं। इस प्रयोग के लिए हमें जिन उपकरणों की आवश्यकता होगी वे इस प्रकार से है। समान आकार का धातु और लकड़ी का एक टुकड़ा अर्थात ब्लॉक, समतल बर्तन, रेत और पानी। सबसे पहले हम समतल बर्तन में रेत और पानी को मिला लेंगे और उस बर्तन को टेबल के पाँव के पास रख देंगे। अब हमारे पास लकड़ी और धातु के जो समान आकार के टुकड़े हैं उन्हें इस प्रकार से धक्का देंगे कि वे उस समतल बर्तन में जा गिरे। ध्यान से निरीक्षण करें, उन टुकड़ों के कारण रेत और पानी के मिश्रण पर किस प्रकार के छाप तैयार हुए हैं? बच्चों थोड़ा सोचिए, इस प्रयोग से हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? हम देख सकते हैं कि वो छाप जो धातु के टुकड़े के कारण तैयार हुआ है वह उसी आकार के लकड़ी के टुकड़े के छाप की अपेक्षा अधिक गहरा है। आपके अनुसार इसका क्या कारण हो सकता है? जैसा कि हम सब जानते हैं बच्चों, भले ही इन दो टुकड़ों का आकार समान था फिर भी धातु का टुकड़ा लकड़ी के टुकड़े की अपेक्षा वजन में अधिक होता है। इसी कारण धातु के टुकड़े के कारण जो छाप निर्माण हुआ वो छाप लकड़ी के टुकड़े से अधिक गहरा था। बल वस्तु के द्रव्यमान के साथ समानुपाती होता है और इस मामले में गुरुत्वाकर्षण के कारण जो त्वरण निर्माण हुआ वो भी समान था। इस प्रयोग द्वारा हमने न्यूटन ने बताए हुए गति के दूसरे नियम को सिद्ध किया जो कहता है कि किसी भी वस्तु में निर्माण होने वाला त्वरण दो चरों पर निर्भर करता है, संपूर्ण बल जो उस वस्तु पर लगाया जा रहा है और उस वस्तु का द्रव्यमान, अर्थात बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। चलिए अब हम तीसरा प्रयोग करते हैं। इस प्रयोग के लिए हमें जिन उपकरणों की आवश्यकता होगी वे इस प्रकार है। एक गुब्बारा, रबर पाइप का एक टुकड़ा जिसका व्यास लगभग 5 मिलीमीटर से 1 सेंटीमीटर हो। शुरुआत में हम वजन में हल्के रबर के पाइप से हमारे गुब्बारे को कसकर बांधेंगे। अब रबर के पाइप के द्वारा गुब्बारे में हवा भरना शुरू करें और फिर रबर पाइप की मुंह को अपनी उंगली से कसकर बंद कर दें। उंगली को बिना निकाले ही गुब्बारे को किसी समतल सतह पर रखें और कुछ समय बाद उंगली हटा लें। क्या देखा आपने? जब गुब्बारे में से हवा निकलना शुरू हो जाता है तो वो आगे की ओर जाना शुरू होता है। आपने इस प्रयोग का क्या निष्कर्ष लगाया? गुब्बारे में से हवा पीछे की ओर से बाहर आ रही है और इस कारण वो गुब्बारे को आगे की ओर धकेल रही है। ये प्रयोग न्यूटन के गति के तीसरे नियम के बारे में बताता है जिसके अनुसार हर एक क्रिया के लिए उसके समान लेकिन विरुद्ध प्रतिक्रिया होती है। यहाँ पर हम गुब्बारे में से निकलने वाली हवा को क्रिया के रूप में देख सकते हैं और उसके विरोध में प्रतिक्रिया के रूप में जो बल तैयार हुआ है उसकी वजह से गुब्बारा आगे की ओर धकेला जाता है। अतः
हम कह सकते हैं कि बल हमेशा क्रिया प्रतिक्रिया इस प्रकार की जोड़ी में ही आता है। इस प्रकार हमने आज ये जो तीन प्रयोग किए उनके द्वारा न्यूटन के गति के नियमों को अच्छी तरह से समझा।